सभी का लखनपुर ओसीपी के अंतर्गत मेसर्स बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशीष त्रिपाठी एनआईटी इंचार्ज अपने साथियों के साथ सीनियर ओवरमैन श्री आलोक कुमार साहू, टिपर ऑपरेटर श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, गैरेज इंचार्ज श्री अर्जुन कुमार एवं बीजीआर के सेफ्टी ऑफिसर श्री कृष्णा उपस्थित हैं। आज हम सब टिपर ऑपरेटर के साथ साथ टिपर की सुरक्षित कार्यविधि के बारे में आप सबको बताना चाह रहे हैं। हाजिरी घर में समय से 15 मिनट पहले उपस्थित होना चाहिए। सभी टिपर ऑपरेटर ड्यूटी के समय हेलमेट, जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट जैसे सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। ड्यूटी पर रहते हुए अपने पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखेंगे। सभी व्यक्तियों को ड्यूटी में आने के बाद फॉर्म डी में अटेंडेंस लगाना आवश्यक है। टिपर शुरू करने के पहले अपने वाहन की योग्यता के लिए निम्न निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। रेडिएटर पानी, टायर की स्थिति, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, पीछे देखने वाला मिरर, हॉर्न, यदि वाहन दिन के उजाले के बाद संचालित होता है तो टिपर की लाइट्स, एवीए, ये हमारा हैंड ब्रेक है, ये हमारा रिवर्स कैमरा जो लगा हुआ है तो उसका डिस्प्ले है, ये जो वहाँ बैक गियर डालेंगे पीछे जो भी स्थिति रहेगी वो इसमें हमारे दिखाते रहेगा। ये हमारा फोर व्हील लगाने का है, ये हमारा गियर का लीवर है, ये एसी चालू करने के लिए है, ये हमारा सीट बेल्ट लगा हुआ है, इधर हमारा लाइट का स्विच है, ये डिपर का स्विच है, ये वाइपर का स्विच है, और यहाँ पे हमारा इंजन कंट्रोलिंग का स्विच है। यहाँ पे हमारा हारन है, हारन इसमें दो तरह का होता है, एक होता है टीटी हारन, एक होता है प्रेशर हारन। इसको हम यहाँ से बजाएंगे तो हमारा प्रेशर हारन बजेगा, यहाँ से बजाएंगे तो हमारा टीटी हारन बजेगा। इस तरह का है, यही सारा कुछ फीचर है हमारी गाड़ी का। और हम हाई में चलेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में हमारा दिखाएगा कि हाई में है, और लो में चलेंगे तो भी हमारे इस डिस्प्ले में दिखाएगा कि हम लो में चल रहे हैं। ये हमारा यहाँ डीजल का दिखाएगा, यहाँ ऊपर जो है कंट्रोल, ये दिखाएगा आपका इंजन टेम्परेचर दिखाएगा, इस साइड में हमारा जो है तो प्रेशर दिखाएगा कि हमारे गाड़ी में प्रेशर कितना है। ब्रेक की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद यांत्रिक रूप से ध्वनि से संतुष्ट होने के बाद ही टिपर को उपयोग के लिए लेके जाएगा। वह शावल ऑपरेटर से लोडिंग हेतु सिग्नल मिलने के बाद ही वाहन को लोडिंग हेतु लगाएगा एवं संकेत मिलने के बाद ही लोडिंग वाली जगह को छोड़ेगा और सुरक्षित जगह पर खड़ा कर अपने पारी की प्रतीक्षा करेगा। एक टिपर से दूसरे टिपर की दूरी कम से कम 30 मीटर का अंतर रहना चाहिए। टिपर चलाते समय मोड़ से पहले हॉर्न बजाते हुए वहां से पार करेगा। सड़क पार करने से पहले वाहन की गति को कम करेगा, दोनों दिशाओं में देखेगा और सुरक्षित होने पर ही सड़क को पार करेगा। अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ओवरटेक करने हेतु सुरक्षित रास्ता दिखाई न देवे और हॉर्न बजाते हुए कि दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करेगा। वह पीछे का क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देने के बाद ही अपने टिपर में भरा हुआ मटेरियल डंप ब्रेक लगाकर खाली करेगा। खाली करने के पश्चात डाला को नीचे कर डंप ब्रेक को रिलीज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। संचालन के दौरान यदि टिपर खराब हो जाता है तो वह टिपर को हाल रोड या
निकटतम सुरक्षित स्थान के बाईं ओर पार करेगा और इसकी सूचना अपने सुपरवाइजर या अधिकारी को देगा। टिपर के चक्कों के नीचे स्टॉपर लगाएगा, फेंसिंग करेगा और अगर रात्रि हो तो पार्किंग लाइट जलाकर रखेगा। वह किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को टिपर पर सवारी करने की अनुमति नहीं देगा। बीड़ी, सिगरेट आदि का प्रयोग नहीं करेगा एवं नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएगा। का संचालन करते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे स्वयं या दूसरों को खतरा उत्पन्न हो। लखनपुर खुली खदान परियोजना में टिपर ऑपरेटर के लिए SOP। ड्यूटी के दौरान वह हेलमेट, जूते, ईयर प्लग, डस्ट मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। वह ड्यूटी के दौरान अपने साथ पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी ले जाएगा। टिपर शुरू करने से पहले वह वाहन की सड़क योग्यता पर ध्यान देते हुए उसका निरीक्षण और परीक्षण करेगा। नंबर 1, रेडिएटर पानी। नंबर 2, टायर की स्थिति। नंबर 3, हॉर्न। और नंबर 4, AVA। नंबर 5, ब्लाइंड स्पॉट मिरर। नंबर 6, रियर व्यू मिरर। नंबर 7, यदि वाहन दिन के उजाले के बाद चलाया जाता है तो रोशनी। ब्रेक की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद वह टिपर को उपयोग के लिए ले जाएगा। जब वह संतुष्ट हो जाएगा कि यह यांत्रिक रूप से ठीक है। स्पष्ट दृष्टि के लिए ऑपरेटर कैबिन के शीशे को साफ रखेगा। वह टिपर को यातायात नियमों की संहिता में विनिर्दिष्ट गति से चलाएगा। वह निम्न गियर में डाउनहिल ग्रेडियंट्स पर काम करेगा। ढोने की सड़क पर वह टिपर के पीछे निकट ड्राइव नहीं करेगा बल्कि उसके पीछे 30 मीटर की दूरी बनाए रखेगा। वह किसी अन्य वाहन को तब तक ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि वह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि वह इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकता है। ओवरटेक करने से पहले वह हॉर्न भी बजाएगा। सड़क पार करने से पहले वह गति कम करेगा, सड़क के साथ साथ दोनों दिशाओं में देखेगा और सड़क पार तभी करेगा जब ऐसा करना सुरक्षित हो। ऑपरेटर टर्निंग के पास हॉर्न बजाएगा। जब तक टिपर लोड किया जा रहा हो तो दूसरा टिपर ऑपरेटर अपने टिपर को लोडिंग स्पॉट के लिए नहीं ले जाएगा बल्कि एक सुरक्षित दूरी पर प्रतीक्षा करेगा। वह पेलोडर ऑपरेटर से संकेत प्राप्त करने के बाद टिपर को लोड करने के लिए रख देगा। पेलोडर ऑपरेटर से संकेत प्राप्त करने के बाद वह लोडिंग स्थान छोड़ देगा। वह टिपर को तब तक नहीं उल्टेगा जब तक उसके पास टिपर के पीछे के क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य न हो। वह डंप क्षेत्र के किनारे से एक सुरक्षित दूरी पर रहेगा और कभी भी वरम को नहीं मारेगा। बेहतर होगा कि वह केवल वरम को स्पर्श करे। वह उतराई के दौरान डंप ब्रेक लगाएगा। सामग्री डालने के बाद वह बाल्टी को नीचे करेगा, ब्रेक को हटाएगा और आगे बढ़ेगा। संचालन के दौरान यदि टिपर खराब हो जाता है तो वह टिपर को हॉल रोड अथवा निकटतम सुरक्षित स्थान के बाई ओर पार्क करेगा। पहियों पर कील लगाए टिपर को बंद करें और रात होने की स्थिति में रोशनी लगाएं। वह किसी भी अनअधिकृत व्यक्ति को टिपर पर सवारी करने की अनुमति नहीं देगा। काम खत्म करने के बाद वह टिपर को उचित पार्किंग क्षेत्र अथवा स्थान पर लाएगा, पार्किंग ब्रेक लगाएगा और इंजन बंद करने से पहले 3 से 5 मिनट के लिए मशीन को धीमी गति से चलाएगा। ड्यूटी के दौरान उसके पास कॉन्ट्राबैंड नहीं होगा। वह टिपर अथवा टिपर चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।